तो स्टार्ट करते हैं विद इंटीग्रेशन। देखो डिफरेंशिएशन क्या था, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज। हमने ये कहानी स्टार्ट की थी डेरिवेटिव से। हमने कहा था कि अगर सपोज करो आपके पास ये टोटल डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स याद है वो एक्स टू माइनस एक्स वन, हम करते हैं एक्स टू एक्स वन इक्वल डेल्टा एक्स। तो टोटल चेंज इन डिस्टेंस अगर डेल्टा एक्स है तो स्मॉलेस्ट चेंज हमने क्या डिफाइन किया था, टी एक्स। डी स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब न्यूटन ये कहता है कि मैं उल्टा करके दिखाऊंगा कैसे। अभी वो क्या कर रहा था, डेल्टा एक्स से क्या ढूंढ रहा था, डी एक्स। डेरिवेटिव पे काम कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज निकालता था, इंस्टेंटेनियस चीज निकालता था। अब वो कहता है काम करो, मुझे इंस्टेंटेनियस चीज दो, मुझे स्मॉल चेंज दो और मैं आपको टोटल चेंज करके दिखाऊंगा, निकाल के दिखाऊंगा। पहले हम क्या कर रहे थे, डेल्टा एक्स से डी एक्स, अब हम क्या करेंगे, डी एक्स से डेल्टा एक्स। उल्टा, बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होगा। तो उसके अंदर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, स्मॉल चेंज निकाल रहे हैं, इसमें हम टोटल चेंज निकाल रहे हैं, बस ये उल्टा काम है। तो क्लियर है यहां तक? तो कैसे निकलेगा सोचो, ये डी एक्स है, ऐसे ही अगला इंटरवल भी डी एक्स है, अगला इंटरवल भी डी एक्स है, अगला इंटरवल डी एक्स है, डी एक्स डी एक्स। यहां से अगर मैं स्टार्ट हो जाऊं डी एक्स डी एक्स लेते 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 यहां पे आ जाऊं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे डी एक्स को, स्मॉल इंटरवल को, डेरिवेटिव को मिला रहा हूं। और मिलाने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो नाम कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो मैं सारे डीएक्स को मिला रहा हूं, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। इंटीग्रेशन मैं ये कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ऑब्वियसली एक्स, तो मैं एक्स की इंटीग्रेशन कर रहा हूं, या मैं एक्स के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ऐसे बोल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो क्या है, ये है। आप कहेंगे ये क्या सिंबल है, रेट ऑफ चेंज कैसे लिखते थे, डी एक्स बाय डी एक्स, इसको कैसे रीड करते थे, डी स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे बोलते थे, ऐसे बोलते थे। इसमें बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, जो डेरिवेटिव है उसका सिंबल क्या हो गया, इंटीग्रेशन। ये एस बड़ा सिंबल इंटीग्रेशन का है, तो डी की जगह क्या बन गया, इंटीग्रेशन, और एक्स का क्या हो गया, एक्स। तो क्या रीड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें क्या करते थे, डिवाइड डी एक्स, इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको रीड करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ वाई, दिस इज बेसिकली व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, वाई विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z। तो बोलना लिखना आ गया, इसमें सिंबल समझ में आ गया। तो इसमें d नहीं यूज करते, डेरिवेटिव यूज नहीं करते, इसमें इंटीग्रेशन यूज करते हैं। जिसकी भी इंटीग्रेशन है वो यहां पुट करते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू वाली टर्म मल्टीप्लीकेशन में चली जाती है, डिवीजन की जगह। तो पहला स्टेप क्लियर है, तो लिख लो इसको, दो एग्जाम्पल अगर लिखने हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? तो इंटीग्रेशन करने के कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज। तो पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स। पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स। तो आप कहेंगे ये कैसा फॉर्मूला है, कॉन्स्टेंट डिफ्रेंसिएशन तो जीरो थी, इसमें एक्स आ गया।
क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे हैं, मैंने बताया। अच्छा एक काम करो, क्या आंसर आया? एक्स, जरा साइड पे एक्स लिखें, ये आंसर आया। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो पता है क्या आएगा? वन, जिसे मैं इंटीग्रेट कर रहा था। तो अगर मैं आंसर को, इंटीग्रेशन के आंसर को डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास वापस वही टर्म आ जाएगी जिसकी मैं क्या कर रहा था, इंटीग्रेशन। तो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, हालांकि हमने कर करके देखना नहीं है, वैसे जस्ट बता रहा हूं कि ये इसका आंसर एक्स क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद वन आना चाहिए। तो पहला आंसर क्लियर है, पहला फॉर्मूला क्लियर है। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी वाई इज ऑलवेज इक्वल टू वाई, वन डी जेड इज ऑलवेज इक्वल टू सेट। सिंपल, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो जिसकी भी इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू, वही आंसर आ जाएगा, वन डी वाई वाई, वन डी जेड जेड, वन डी टी टी, आंसर ठीक। काफी बुक्स के अंदर ऐसा लिखा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स इज एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, प्लस कॉन्स्टेंट, प्लस कॉन्स्टेंट। ऐसा क्यों लिखते हैं ये आने वाले टाइम में बताऊंगा, इसका क्या रोल होता है ये भी बताऊंगा, मोशन चैप्टर में पता लगता है ये, बट फॉर्मूलाज के अंदर ऐसा लिखा होगा बुक्स के अंदर, तो मैं इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हमें बताया नहीं कि कॉन्स्टेंट भी लगता है। तो जितने भी इंटीग्रेशन हम करते हैं उसके पीछे कॉन्स्टेंट लगा दिया करते हैं, पर मैं इसमें लगाऊंगा नहीं क्योंकि इसका भी मुझे कुछ करना नहीं है। तो मैं सिर्फ वन डी एक्स को एक्स ही यूज़ करूँगा, वन डी जेड को जेड ही यूज़ करूँगा, और मैं ऐसी टेक्निक भी सिखाऊंगा आने वाले टाइम में जिसमें कॉन्स्टेंट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो देख वो आने वाले टाइम में पता लगेगा, पर अभी फिलहाल आपको कॉन्स्टेंट पर ध्यान नहीं देना, आपको ये फॉर्मूले पर ध्यान देना। तो पहला फॉर्मूला क्लियर है, नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ सम कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट है, इन टू डी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो भी होगा वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और आपके पास सिर्फ वन बचेगा, और सबको पता है कि वन डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स। तो ये आपका आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स, अब टू इज अ कॉन्स्टेंट, तो टू इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, क्या बचा, वन डी एक्स, तो आंसर इज टू एक्स, क्योंकि वन डी एक्स तो एक्स होता है। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ थ्री डी एक्स, थ्री कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, क्या बचा, वन डी एक्स, तो आंसर इज थ्री एक्स। तो क्या ये रूल क्लियर है? तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब जो फॉर्मूला मैं करवाने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन में सबसे ज़्यादा यूज़ आपने पावर रूल किया है, इंटीग्रेशन का पावर रूल करवाने जा रहा हूँ। तो पहले एग्जांपल के साथ करवाऊँगा फिर फॉर्मूला बताऊँगा। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर फोर डी एक्स, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक, साथ लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर फोर और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसे इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे इसमें, पहले देखेंगे फिर बाद में लिख लेना प्लीज। हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पावर नीचे और एक पावर को कम कर देते थे। इसके अंदर x की जितनी भी पावर है उसमें वन ऐड कर देना है, माइनस नहीं करना, इसमें प्लस करना है, उल्टा काम है ना, डिफरेंशिएशन में माइनस करना है, इंटीग्रेशन में प्लस करना है। तो पहला रूल क्लियर है, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय जो भी ऊपर पावर चल रही है, कितनी पावर है, फाइव, उससे डिवाइड कर देना है,
जो भी पावर है 5 उसे डिवाइड कर देना है, तो क्या आया x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। अभी रुका नहीं है, अगर पावर पे हाथ रख लें तो क्या बचता है x, तो जो भी बचता है उसको डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करना है, वो dx पर dx नहीं पीछा छोड़ेगा, वो ना डिफरेंशिएशन में ना इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में dx पर dx मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में dx पर dx डिवाइड करते हैं, वो अलग बात है कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो आंसर इज इक्वल टू व्हाट, x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। फॉर एग्जांपल x की पावर 7 dx है, तो x की पावर 1 बढ़ा दो कितनी हो गई 8, 8 से क्या कर दें डिवाइड, 7 पे हाथ रखेंगे तो क्या बचेगा x, तो क्या आएगा dx बाय dx जो कि क्या होता है 1। तो आंसर इज इक्वल टू व्हाट, x की पावर 8 डिवाइडेड बाय 8, राइट। तो एक्चुअल में इसका होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये होता है x की पावर n dx, बोलो फॉर्मूला बनाओ क्या बनेगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू dx बाय dx, ये इसका फॉर्मूला नोट करना है कर लो, पर अदरवाइज मैंने सिखाई दिया आपको कैसे करना है, नोट कर लो इसे प्लीज। क्लियर है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन करो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 9 डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ डी एक्स, लगाओ पावर रूल। तो फर्स्ट का आंसर बिल्कुल क्लियर है, x की पावर 10 डिवाइडेड बाय 10, dx पर dx तो 1 होता है छोड़ देते हैं, इसे लिखेंगे x रेज टू पावर 1 बाय 2 dx, तो क्या लिखेंगे इसकी पावर 1 बढ़ा दें, हाफ प्लस 1 क्या होता है 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2, रेसिप्रोकल ले लो 2 बाय 3 x रेज टू पावर 3 बाय 2, क्या ये स्टेप क्लियर है, सबने ऐसे किया ठीक है ना। और इसमें x जब ऊपर जाएगा रेज टू पावर माइनस हाफ, x की पावर माइनस हाफ, तो क्या बनेगा x की पावर माइनस हाफ प्लस 1, तो क्या बनेगा हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो आंसर, क्या स्टेप क्लियर है ठीक है यहां तक, तो रूल समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो पावर रूल समझ में आ गया, तो अभी पावर रूल लगाओ, पावर रूल लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1, नहीं रुको 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 वेट, दो मिनट वेट करते हैं, पहले एक और फॉर्मूला करवा दूं। नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v dx, अगर दो टर्म्स क्या हो रही हो एड,
और डिफ्रेंसीशन के अंदर भी ये रूल किया था हमने, तो d बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर देते थे u से भी और v से भी, यही रूल था। इसके अंदर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, जैसे उसमें करते थे डिफ्रेंसीशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफ्रेंसीशन ऑफ सेकेंड टर्म। पर एक चीज याद रखना, अगर ये इंटीग्रेशन ऑफ u है और आपने अगर विद रिस्पेक्ट टू नहीं किया तो ये बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं मिलेगा इसका। इंटीग्रेशन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू चलती है, यानी कि पीछे dx, du, dy कुछ तो आएगा, तो ऑब्वियसली क्या चल रहा है, पूरे का पूरा इंटीग्रेशन चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर भी लगेगा dx और यहां पर भी लगेगा dx। इसका मतलब dx को दोनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन को भी दोनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो क्या स्टेप क्लियर है, तो ये फॉर्मूला है, और अगर यहां माइनस है तो यहां पर भी क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक। अब फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आता है, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डीएक्स, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 3/3 और ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4। आंसर मतलब दो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बन गए फिर वो। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 7/√x माइनस 3 dx, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1/√x dx।
ठीक है, अपने आंसर्स को एक बार चेक करो प्लीज। तो आपने इसमें क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स की पावर क्या है, हाफ डी एक्स। सेवन कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक्स की पावर क्या है, माइनस हाफ डी एक्स। थ्री बाहर आ गया, वन डी एक्स। तो यहाँ पर एक्स की पावर हाफ प्लस वन इज थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू। सेवन इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन इज वन बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू माइनस थ्री इंटू एक्स। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, टू बाई थ्री एक्स रेज टू पावर थ्री बाई टू प्लस ये ऊपर चला गया तो फोर्टीन एक्स रेज टू पावर वन बाई टू माइनस थ्री एक्स। क्या स्टेप सबको क्लियर है, डाउट? ठीक है, किसी को स्टेप में डाउट? तो कुछ नहीं किया, यहां तक तो कर ही लिया आपने। फिर तो पावर रूल लगाना है, एक्स की पावर एक इंक्रीज उसी से डिवाइड, एक इंक्रीज उसी से डिवाइड और ये एक्स। फिर रेसिप्रोकल है, हाफ को उल्टा करोगे तो टू हो जाएगा और थ्री बाई टू उल्टा करोगे तो टू बाई थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है यहां तक। उसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस थ्री एक्स डी एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस थ्री कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक्स डी एक्स, एक्स ऊपर चला गया माइनस हाफ डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री, इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू और इसकी इंटीग्रेशन एक्स की पावर हाफ बाय हाफ। चल रेसिप्रोकल ले लो, टू ऊपर चला जाएगा। क्या स्टेप क्लियर है, ठीक है यहां तक? ठीक यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ, नहीं तीन चार क्वेश्चंस करके दिखाओ। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेवन एक्स माइनस टू स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ, वेट 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 वेट, रुको रुको, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, पहले इजी कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय रूट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स।
मैं काफ़ी लोगों को देख रहा था अभी कि चलो उन्होंने ठीक किया, गलत नहीं किया, ऐसे किया, पहला स्टेप सबने ऐसे किया, फिर उसके बाद पावर को इंक्रीज़ किया, ऐसे ही किया। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने के बाद भी वो ऐसा साइन लगा रहे हैं। नहीं, इंटीग्रेशन हो गई, इसको नहीं लगाना अब, बस ये आंसर है। जब हमने फॉर्मूला लगा दिया, पावर रूल लग गया, इंटीग्रेशन सिंपल हट गया, पहला रूल क्लियर है, तो ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप कहोगे इसमें तो बड़ी बात नहीं थी। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर लेके गए, ऐसे ही किया ना, ऐसा ही किया, फिर आपने एक पावर को बढ़ाया तो कितना आया, हाफ डिवाइडेड बाय हाफ रेसिप्रोकल लेके ये आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। ठीक है, फिर आपने इसका जो आसानी है, इसकी पावर क्या है, वन, तो वन है तो सीधा आंसर बोलो इसका क्या होगा, एक्स की पावर टू बाय टू, खत्म, डन। ये भी क्लियर है। अब जब चौथे की बारी आई ना, तो थोड़ा धक्का करना शुरू कर दिया काफ़ी लोगों ने, दिखाता हूँ कैसे, क्या करें, वो भी कुछ आंसर तो निकालना ही था, निकल तो रहा नहीं था, पर कुछ तो आंसर बोलना ही है, तो वो क्या करते हैं, एक्स की पावर माइनस वन डी एक्स तो ठीक करते हैं, इस पर जब पावर रूल लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ज़ीरो, डिनोमिनेटर में क्या जाता है, ज़ीरो। अब कुछ लोग तो सोच ही जा रहे हैं इसका करना क्या है, और कुछ लोग इसका आंसर वन निकाल रहे हैं, भाई एनीथिंग रेज टू पावर ज़ीरो इज वन, लेकिन वो भूल गए वन डिवाइडेड बाई ज़ीरो इज इन्फिनिटी। भाई डिफाइन ही नहीं होता मैथ्स में, ज़ीरो डिनोमिनेटर में डिफाइंड है ही नहीं। तो ये सारे तो आपके आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, पर ये करेक्ट नहीं है, आप कभी भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो को नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है, पावर रूल इस पे चलता है, पावर रूल इस पे भी चलता है, पावर रूल किसी में भी चलता है, बस पावर रूल वहाँ नहीं चलता जहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या देता है, वो ज़ीरो। ठीक, क्योंकि ये तो ऐसे तो आंसर छोड़ नहीं पाएंगे हम। तो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो इंटीग्रेशन का, नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स इज इंटी, बनाना पड़ा फॉर्मूला, क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि पावर रूल क्या दे रहा है इसमें, जीरो दे रहा है डिनोमिनेटर में। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स इज लॉग ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स। अब वन के नीचे क्या है, एक्स, लॉग के आगे क्या आ गया, एक्स, वो नहीं पीछा छोड़ेगा यार तुम्हारा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग के अंदर क्या है, एक्स, वो अलग बात है कि इसकी वैल्यू क्या है, वन, तो लॉग एक्स इज द आंसर। ऐसा पता है क्यों किया, अगर आप वापस डिफ्रेंसिएशन में चलते हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, बन गया ना बाल, लॉग एक्स वन बाय एक्स आपके सामने है, इसको डिफ्रेंशिएट किया, वन बाय एक्स आ गया, इसका मतलब सही है, उल्टा भी ठीक चल रहा है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो कभी भी एक्स स्क्वायर होगा तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि लोगों को आदत पड़ जाती है कि ऐसे क्वेश्चन दूंगा ना, वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओ ओके, तो आसान है, वन के नीचे है, उठा के लॉग में डालो, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, गलत। क्या लगेगा इसमें, पावर रूल, भाई जिसमें पावर रूल लगता है उसमें पावर रूल ही लगाना है, सिर्फ उसमें लॉग आएगा जिसमें इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, वन, इसकी पावर वन है तो ही लॉग लगेगा। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार, लॉग का कहाँ से पता लगेगा, फ्लो में पता ही लगेगा लॉग लगाऊं कि ना लगाऊं, मैं तो वन बाय एक्स में लॉग लगा के भूल जाऊंगा। तो ये रूल बना लेते हैं, हम लॉग को याद नहीं करेंगे, हम पावर रूल ही लगाएंगे, हम हर क्वेश्चन में पावर रूल लगाएंगे, चाहे वन बाय एक्स है तब भी पावर रूल लगाएंगे। अगर मेरा किसी भी पावर रूल में डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, फिर मुझे लॉग यूज करना पड़ेगा, बस अपने आप याद आ जाएगा लॉग का आंसर है। लगा लो, पहले पावर रूल लगा के देख लो, कम से कम बाकी क्वेश्चन तो गलत नहीं करोगे, कम से कम वन बाय एक्स स्क्वायर को लॉग एक्स स्क्वायर थोड़ा ना बोलोगे। तो आप हर में पावर रूल लगाओ, जिसमें डिनोमिनेटर में जीरो आ गया बस उसको उठा के लॉग एक्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है, जैसे करके देखते हैं। ये लो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स, वन बाय एक्स माइनस थ्री डी एक्स, ये क्वेश्चन है, करो क्वेश्चन सॉल्व।
तो जब आप इसे ओपन करते हैं तो ये आता है एक्स स्क्वायर डी एक्स, और बाई चांस अगर आपको फ्लो में ना याद रहे कि लॉग लगाना है, याद नहीं रहता काफ़ी जब प्रैक्टिस करते हैं, तो हद से हद क्या कर दोगे, यही कर दोगे ना, और तो कुछ नहीं कर सकते, यही कर बैठोगे गलती से, कर लो कोई बात नहीं, ये क्या आएगा एक्स क्यू बाई थ्री, पावर रूल चल पड़ा। लेकिन जैसे इस पर पावर रूल लगाओगे तो एक्स की पावर जीरो बाई जीरो, तो याद आ जाएगा कि जीरो है ना, तो इसे पावर रूल चलेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा लॉग ऑफ एक्स। तो ऑब्वियसली वन बाई एक्स को क्या लिखेंगे, लॉग एक्स माइनस थ्री इंटू वन डी एक्स, क्या होता है आंसर। पॉइंट समझ में आ रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन में कोई चक्कर नहीं, हर जगह पावर रूल चलता है, इंटीग्रेशन में हर जगह पावर रूल नहीं चलता। तो वैसे तो अच्छा वाला चल रहा था, पर वन बाय एक्स में चलना बंद हो गया, ठीक है यहां तक एक्सेप्शन हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने अभी करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 7x माइनस 2 का स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 2 का अंडर रूट dx, इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 2 dx। रातर एक काम करो, इसको नहीं करना, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको रहने दो, बस ये तीन क्वेश्चन ही करो आप, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर के अंदर ना, कॉम्प्लेक्स होगा, इसमें करो। इसको इंक्लूड कर लें एक और, जो भी कर रहे हैं सॉल्व, ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये भी साथ कर लें, ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत हेर फेर ही है।
कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक करता हूँ, थोड़ा नीट एंड क्लीन साफ लिखा करो। ठीक है, देखो रूल नंबर वन, सबसे आसान क्वेश्चन पहले करते हैं, मुझे ये सबसे आसान लगता है। तो काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, कितने लोगों ने ऐसा किया, चलो इसकी होल पावर क्या है, वन, तो 7x-2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 dy/dx ऑफ 7x-2, कितने लोगों ने किया, किया, ये तो ठीक नहीं किया। मतलब आज के बाद मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दे लूं, मतलब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं आज के बाद, इंटीग्रेशन ऑफ x² + x dx, जैसे आज मैंने दिया था, क्या सिखाया था, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेना है, वो u और v वाला टर्म, नहीं नहीं एक स्टूडेंट कहता है ऐसे कैसे ब्रेक कर लेंगे, होल रेज टू पावर वन, वो कहता है ऐसा करेंगे x² + x और इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 dy/dx ऑफ x² + x, लो जी हो गया आंसर। गलत, हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, हमने तो ऐसा किया। फिर चलो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैं चल छोड़ दिया तो कंफ्यूज हो गया, तो पुराना क्वेश्चन ही करते, पुराना क्वेश्चन कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ √x + x + 3 किया था हमने ऐसा कुछ, तो क्या किया था, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, वो कहता नहीं नहीं ऐसे नहीं, होल रेज टू पावर वन, पावर रूल लगाएंगे, नया नया सीख है, पावर रूल क्या कहता है, √x + x + 3 होल रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 dy/dx ऑफ √x + x + 3, ये लो पावर रूल। गलत, ऐसे नहीं, हर इतना बड़ा क्वेश्चन दिया उसकी पूरी पावर बना दी फिर पावर रूल लगा के ठीक कर दिया, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, हर जगह पावर रूल नहीं चलता इसमें। तो रूल नंबर वन बनाओ, पावर रूल वहां नहीं लगाना जहां पर आप u और v लगा रहे हैं। देखो u और v में सिंपल है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, और रूल क्या है, जब फर्स्ट और सेकंड टर्म या ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो आप इसे ओपन करें, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 7x dx - integration of 2 dx, क्या ये स्टेप क्लियर है, ठीक है, पावर रूल नहीं लगाना, जो ओपन हो सकता है उसे ओपन ही करेंगे। तो यहां से 7 बाहर आ गया, x dx, 2 बाहर आ गया, 1 dx, तो 7 × ये क्या बनेगा, x² / 2, 2 × 1 dx क्या होता है, x आंसर। तो कितने लोगों ने ये किया था, ठीक किया था, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है यहां तक। तो यानी कि जो काम सीधे रास्ते से होता है तो सीधे रास्ते से करेंगे, जबरदस्ती धक्के से पावर रूल लगाते फिरेंगे कि हर जगह पावर रूल लगा देंगे तो नहीं लगाएंगे, जो ओपन हो रही है प्लस माइनस उसे ओपन ही करेंगे, फिर पावर रूल लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी छोटी टर्म पे लगेंगी। चलो एक तो ठीक हो गया, ठीक है, तो पावर रूल हर जगह नहीं लगेगा, या तो कम से कम नहीं लगेगा जो ओपन हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट, चलो इसको तो खत्म करें, खत्म हो गया। नेक्स्ट रूल है कि आप अगर सपोज यहां पर लगाते हैं तो आप क्या करेंगे, 7x - 2 होल रेज टू पावर -0.5 dx, कोई डाउट नहीं इसमें, बिल्कुल सही है, और कोई तरीका भी नहीं आपके पास। तो अब इसकी पावर -0.5 है, अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं इसे ओपन कर लूँ, ओपन कैसे कर लूँ, हो ही नहीं पाएगा, ये कौन सा होल स्क्वायर है जो ओपन हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पावर रूल लगा सकता हूँ, क्योंकि होल ब्रैकेट की ओवरऑल पावर क्या है, -0.5। अब इसको, इसका तोड़ तो कोई है ही नहीं, इसको ओपन किया नहीं जा सकता, तो फिर मेरे पास क्या तरीका है, मेरे पास सिंपल तरीका है, मैं पावर रूल लगाऊंगा 7x - 2 की होल पावर -0.5 + 1 क्या होता है, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू d/dx ऑफ क्या आएगा, 7x - 2, क्या स्टेप क्लियर है भाई, ठीक है पावर रूल तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि पावर क्या चल रही है, -0.5, तो कैसे हटेगी, -0.5 + 1 - 1/2 + 1, तो ये आंसर आ गया। तो क्या आएगा, 7x - 2 होल रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म, और d/dx ऑफ सेकेंड टर्म तो करने का फायदा ही नहीं है क्योंकि वो तो जीरो आएगा। तो ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पावर रूल हो गया। फिर तीसरा पावर रूल किसी ने यहां लगाया,
वो कहता है ठीक है जी, जैसे आपने ये किया हम ऐसे कर लेते हैं माइनस वन डी एक्स। तो जैसे ही उसने पावर रूल लगाया ये क्या आया, जीरो। तो उसे क्या याद आया, लॉग एक्स, क्योंकि जहाँ जहाँ जीरो आया वहाँ लॉग एक्स बचाने आया, तो लॉग एक्स बचाने आ रहे हैं तो कम से कम ये तो नहीं लगेगा। तो फिर क्या लगेगा, इसको हटा देते हैं तो इसकी जगह यहाँ पर क्या लगेगा बताओ, इसकी होल पावर क्या है, वन। तो यहाँ पर क्या लगेगा, लॉग ऑफ सेवन एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय लॉग के अंदर जो भी टर्म है उसको क्या करना पड़ेगा आगे, डिफ्रेंशिएट। तो लॉग ऑफ सेवन एक्स माइनस टू, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म विल गिव सेवन, और डी एक्स बाई डी एक्स तो वन होता है, और माइनस जीरो आंसर। कितने लोगों ने ऐसे किया, ठीक है समझ में आ गया सबको, आप ठीक है पावर रूल लगाएं, मैंने मना तो नहीं किया, आप पावर रूल लगाएं, लेकिन जब जीरो में फंस जाएं फिर देखो फिर तो गड़बड़ है, फिर तो लॉग लगाना पड़ेगा। ये भी क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब इतना सुनने के बाद जब मैंने ये क्वेश्चन दिया तो मैंने पूछा कि समझ में आया, तो सबने कहा हाँ सर ये तो अब हो ही जाएगा। मैंने कहा कैसे होगा, तो स्टूडेंट बोलते हैं सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू, बोलो क्या, होल रेज टू पावर माइनस हाफ, सही। फिर कहते हैं कि इस पे पावर रूल लगा लेना चाहिए क्योंकि पहले भी लगाया ही आपने माइनस हाफ के साथ, इसे ओपन तो कर नहीं सकते। तो क्या आएगा, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू होल रेज टू पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू, ऐसा ही। कितने लोग एग्री करते हैं, यस यस, गलत है। आपको ये क्या बात है, पार्शियलिटी है। इधर तो आपने कहा कि यार ठीक है लग जाएगा, इधर आप कह रहे हो लगेगा नहीं पावर रूल, इसकी तो कोई मजबूरी भी नहीं है, चलो इसकी तो माना जीरो मजबूरी थी तो लॉग लगाया, इसकी क्या प्रॉब्लम है, इस पे क्यों नहीं लगा। मैथ का रूल है, अगर अंडर रूट की टर्म चल रही है और एक्स की डिग्री वन से ज़्यादा है तो कोई पावर रूल नहीं चलता, बात ही खत्म। तो पावर रूल, इसकी डिग्री क्या थी, वन, चलो जीरो आया तो नहीं चला, लॉक कर दिया। इसकी डिग्री क्या है इसके ऊपर, एक्स के ऊपर वन, एक्स की पावर वन है ना, इस पे चल पड़ेगा। लेकिन अगर एक्स के अलावा कोई और पावर अंडर रूट के अंदर कर दूं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर कुछ भी, नहीं चलेगा। तो इसलिए इस टाइप की प्रॉब्लम में पावर रूल चलते नहीं। अब आप ये सोचेंगे यार ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, कहीं चलते हैं कहीं चलते नहीं, मैं तो इसी उलझन में रह जाऊंगा, पेपर में आएगा चलाऊं कि ना चलाऊं। सिंपल रूल नंबर वन, फिजिक्स के अंदर ये नहीं आएगा, आपको कभी x की डिग्री टू देगा ही नहीं वो फिजिक्स में, बात ही खत्म, आपको डिग्री वन ही देगा। चलो आपकी कम से कम फिजिक्स की टेंशन तो हो गई खत्म। वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि जब इसकी डिग्री टू आएगी इसके लिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड चाहिए होता है, जो प्लस टू का पार्ट है। तो वो ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके इसको तोड़ते हैं और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी। तो वो हमारा पार्ट नहीं है सीखना, हम इसको अभी नहीं सीख रहे, ना हमें जरूरत है सीखने की। तो मैं सिर्फ ये रूल बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन जितनी सीधी दिख रही थी कि पावर बढ़ाओ पावर से डिवाइड कर दो, उतनी सीधी है नहीं, जबकि डिफरेंशिएशन सीधी है, कहीं भी पावर रूल चलता है, जहां मर्जी चला लो कोई चक्कर नहीं। इंटीग्रेशन में पावर रूल पॉइंट नंबर वन कहां नहीं चलता, जहां डिनोमिनेटर में जीरो, तो वहां पर क्या लगता है, लॉग। पावर रूल कहां नहीं चलता, जब इन अंडर रूट्स के अंदर इसकी पावर एक्स की वन से ज्यादा हो जाती है तो नहीं चलेगा, ठीक हो गया, पर ऐसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे। तीसरा, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, तो लॉग की ये प्रॉब्लम क्लियर है, लॉग और ये पावर रूल की, तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको फिजिक्स में जो जो क्वेश्चंस आएंगे उन सब में पावर रूल्स चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वन बाई एक्स आ जाएगा, वो लॉग एक्स होते हैं, बात ही खत्म। तो आपको इतना कॉम्प्लेक्स फिजिक्स में यूज़ नहीं होगा, पर मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से कैलकुलस चलता है, पर आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सिंपल चीज़ें आएंगी। आपको बताऊँ क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, बस इतने में खेल खेलते रहेंगे, इतना तो आप कर ही लोगे यार, एक्स डी एक्स तो आप ओरली बता सकते हो, एक्स स्क्वायर बाय टू होता है, इतना क्या आता है, ठीक है यहाँ तक। बट चलो अब कर रहे हैं तो लॉग का मैंने बता दिया कहाँ यूज होगा कहाँ नहीं यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, साइन की
डिफरेंशिएशन क्या होती थी? कॉस, इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, कॉस नहीं होती, माइनस कॉस होती है. तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय ये एंगल क्या है, एक्स. एंगल क्या है, एक्स. तो एंगल क्या है यहां पर भी, वो अलग बात है कि चलो ये वन हो जाएगा, बात खत्म. आंसर जैसे क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टू एक्स डी एक्स, ये लो, तो आंसर बोलो क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ टू एक्स, एंगल क्योंकि टू एक्स है, तो आंसर आएगा माइनस कॉस ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि डी एक्स बाय डी एक्स क्या होता है, वन. आंसर काट मत देना एंगल के साथ, ऐसे छोड़ दो. क्लियर है, लिख सकती हूँ वैसे. नहीं हो सकता क्योंकि वो एंगल है, एंगल को कोई नहीं छेड़ सकता, ब्रैकेट के एंगल को कोई नहीं छोड़ेगा, इसको टू से टू कट नहीं हो सकता, ऐसे छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, अब आप में से एक और समझदार आदमी बैठा था, वो पता है क्या कहता, इसे इतना करने की जरूरत क्या है. मैंने कहा वो क्यों, वो कहता देखो ये रहा आपका साइन एक्स डी एक्स. मैंने कहा ठीक, इसकी पावर है वन, देखो एक्स की डिग्री भी वन है, अब आप मुझे रोक नहीं सकते, तो मैं तो पावर रूल लगाऊंगा. तो मेरा आंसर है साइन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स. वो कहता है बताओ इसमें क्या गलती है भाई, पावर रूल है, डिग्री भी वन है, अब तो कोई रोक भी नहीं सकता, लगाओ. नेक्स्ट रूल, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर इंटीग्रेशन में पावर रूल चलता ही नहीं, बात ही खत्म, बात ही खत्म. जबकि ये रूल डिफरेंशिएशन में चलता था, डिफरेंशिएशन में जिसका मर्जी डी बाई डी एक्स करा लो सब चलता है, पावर रूल भी चलता है, इसमें इंटीग्रेशन में चलता ही नहीं. अच्छा है ना, नहीं चलता, चला नहीं, नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आना, बात ही खत्म हुई. जब चल नहीं रहा तो फिर क्या करोगे, फॉर्मूला याद करोगे, तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस कॉस एक्स, तो ये भी सही हो गया. तो पावर रूल कहाँ नहीं चलता, जब डिनोमिनेटर क्या आ जाता है, जीरो, तो लॉग आ जाता है. अंडर रूट के अंदर एक्स की पावर अगर ज़्यादा हो जाए वन से तो नहीं चलता. थर्ड, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर तो बिल्कुल भी चलता ही नहीं, बात ही खत्म. ठीक, तो आपको जो फिजिक्स के अंदर प्रॉब्लम आएगी उसमें ये सोचना नहीं पड़ता आपको कि चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि आपके जितने भी फिजिक्स में क्वेश्चन हैं उसमें सब में चलेगा, वो क्वेश्चन ही ऐसा बना के देगा जिसमें चलेगा. ठीक, हाँ साइन कॉस आ जाता है, उसके फॉर्मूले याद कर लिए हमने, साइन का फॉर्मूला हमने याद कर लिया, माइनस कॉस एक्स. तो नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लो या एग्जाम्पल करो, चलो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 1 dx.
ठीक है, तो ये तो इजी है, इसमें तो क्या करना है, माइनस ऑफ येरा माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी एक्स बाय डी एक्स क्या होता है 1, और कॉन्स्टेंट के डिफ्रेंसिएशन इज 0 इज 0, तो इसकी जगह 1, तो आंसर इज माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सबको क्लियर है, ऐसे किया तो नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करो, डी बाय इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज साइन एक्स, तो पॉजिटिव में डिवाइडेड बाय, ये तो करना ही करना है, ये तो करना ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x dx इज साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ 2x, तो साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 इज द आंसर। यहाँ तक, अब ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन में साइन कॉस सबसे ज़्यादा यूज होता है, बाकी और भी फॉर्मूलाज हैं जैसे हम उसमें कर रहे थे डिफ्रेंसिएशन में, तो हम लिस्ट लिख लेते हैं, यूज़ हुई तो ये रेफर कर लेंगे, यूज़ नहीं हुई तो कोई बात नहीं, यूज़ नहीं होगी वैसे साइन कॉस में ख़त्म हो जाता है, तो फिर भी लिखनी पड़ेगी, ये लिस्ट बना लो, कभी यूज़ होगी रेफर कर लेना, साइन कॉस याद कर लें। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx is log of secant x divided by dx, इंटीग्रेशन ऑफ cot x कर लेते हैं पहले tan के बाद, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx is log of sin x divided by dx by dx, e base होता है, जब base नहीं है तो e base है, हमें base चाहिए नहीं, ठीक। next है secant x dx is equal to log of secant x plus tan x divided by dx by dx, integration of cosecant x dx is equal to log of cosecant x minus cot x divided by dx by dx, and integration of secant square x dx is tan x divided by dx, जरूरत पड़े तो रेफर कर लेंगे, एज सच याद करने की जरूरत नहीं है, एज सच सिर्फ साइन और कॉस चलेगा बस, ठीक है। ठीक है यहाँ तक,
ठीक है, अब चल तो कैलकुलस रहा था, इंटीग्रेशन चल रही थी। अब देखो फिजिक्स की एंट्री फिर से कैसे होती है, मैच चल रहा था ना, अब वापस फिजिक्स में चलते हैं, फिर गाड़ी चलाएंगे और इस बार इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अब सपोज करो मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि, या ऐसा एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको एक्सेलरेशन गिवन है टी स्क्वायर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन गिवन है किसी क्वेश्चन में टी स्क्वायर, और क्वेश्चन है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्वेश्चन है। हम डिफरेंशिएशन में उल्टा कर रहे थे, हम डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे, अगर हमें एक्स पता है तो हम क्या निकालते थे, वेलोसिटी, क्या करके एक्स की डिफरेंशिएशन, राइट। तो अगर हमें अब उल्टा करना है, वी गिवन है और एक्स निकालना है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। अगर हमें एक्स पता है वी निकालना है तो डिफरेंशिएशन, और वी पता है और ए निकालना है तो फिर से एक बार डिफरेंशिएशन, एक्स की डिफरेंशिएशन वी, वी की डिफरेंशिएशन ए। इसमें उल्टा है, इसके अंदर एक्सेलरेशन गिवन है तो वी निकालना है तो क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, और फिर वी से एक्स निकालने में एक बार फिर से इंटीग्रेशन। ऐसा कभी नहीं होगा कि ए से सीधा एक्स निकलेगा, नहीं होगा, पहले ए से वी निकलेगा, वी से एक्स निकलेगा, एक्स से वी निकलेगा, वी से ए निकलेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक, ये नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कैसे करना दिखाता हूँ, तीन टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से, क्योंकि मेरे को क्या करना है, ए से क्या निकालना है, वी, तो देखो ए से क्या निकालना है, वी, तो क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। ठीक, तो देखो सबसे पहले a इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिख लो। अब ये बताओ कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती क्या है, dv बाय dt, तो लिखो a की जगह dv बाय dt इज इक्वल टू t का स्क्वायर। फिर एक चीज देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से फिर नोट कर लेना, dv एक तरफ, t स्क्वायर इंटू dt एक तरफ, इस dt को राइट साइड पे ले जाओ, तो ये स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है और ये स्मॉल चेंज इन टाइम है, अपने को टोटल चेंज इन वेलोसिटी और टोटल टाइम निकालना है, तभी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगी। तो क्योंकि ये आपको इक्वेशन गिवन है, क्योंकि आपको इक्वेशन गिवन है, तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में रूल बनाया था कि अगर मैं लेफ्ट की डिफरेंशिएशन करता हूं तो राइट की भी करनी पड़ेगी, सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी अगर मैं लेफ्ट की इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे राइट की भी करनी पड़ेगी। इक्वेशन जब भी गिवन होगी दोनों तरफ की इंटीग्रेशन होगी, तो दोनों तरफ की इंटीग्रेशन क्या शो करती है कि स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बड़ी चेंज इन वेलोसिटी निकाल देगी और स्मॉल चेंज इन टाइम बड़ा टाइम निकाले। करके देखें, 1 dv की इंटीग्रेशन बोलो क्या होती है, v, 1 dx की x, 1 dv की v इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, t क्यूब बाय, आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, देखो बीच में से निकल गए, तो a से v कैसे जाना है, समझ में आ रहा है, ठीक, तो ए से बी में चले गए। अब अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि गिवन वी, गिवन या आपने वी निकाल लिया, क्या निकालना है, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, तब क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू क्या, टी क्यूब बाय थ्री। अब ये तो मानते हो कि वी से एक्स पे जाने के लिए आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, एक बार और करनी पड़ेगी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख दी, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, डी एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब बाई थ्री इंटू डी टी, ये स्टेप क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इसकी भी इंटीग्रेशन और इसकी भी इंटीग्रेशन, तो ये क्या देगा आपको, एक्स, वन बाय थ्री बाहर आ गया, तो क्या बचा, टी क्यूब डी टी, तो आंसर आया 1/3 इंटू टी की पावर 4/4, आंसर t रेज टू पावर 4/12। समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे हमने a से हमने क्या निकाल दिया, x। एक और करेंगे क्वेश्चन अभी,
तो मेथड समझ में आ रहा है? तो फिर से देखें एक बार, ये लो क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू टी, फाइंड इंस्टेंटेनियस या फाइंड एक्स, फाइंड डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंस्टेंट पर क्या निकालना है, एक्स, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, ए इज इक्वल टू टी, पहले ए से क्या निकलेगी, वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी से क्या निकलेगा, एक्स। कैसे निकलेगा, बाय इंटीग्रेशन, यही रूल है ना, यही किया था अभी हमने। तो ए क्या होता है, डीवी बाय डीटी इज इक्वल टू टी, करो जरा सॉल्व, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, डीवी इज इक्वल टू टी डीटी। स्टेप समझ में आ रहे हैं, तो आगे करो कंटिन्यू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ, तो डीवी इज इक्वल टू टी डीटी, तो लेफ्ट की तरफ इंटीग्रेशन, राइट की तरफ इंटीग्रेशन, वी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय टू, राइट, ये टी की पावर वन है तो टी स्क्वायर बाय टू। अब आधा क्वेश्चन हुआ, अब क्या करना है, v से क्या निकालना है, x। अब v होता क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है, dx by dt is equal to t square by 2, तो dx is equal to t square by 2 into dt, ठीक है यहां तक। तो फिर से एक बार ये इक्वेशन लिखते हैं, dx is equal to t square by 2 into dt, दोनों तरफ की क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, तो ये x होगा, हाफ बाहर आ गया, t square dt हो गया, तो x is equal to 1 by 2 t cube by 3, answer t cube by 6। method समझ में आ रहा है, ठीक है। तो करो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व, गिवन x इज इक्वल टू t की पावर 4 प्लस t, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एंड फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड।
कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से किया है, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन से किया है? डिफरेंशिएशन से सही किया है, क्योंकि x गिवन है और v निकालना है, तो v क्या होता है, dx एक्स बाई डी टी, यानी कि d बाई डी टी ऑफ x, x की जगह t रेज टू पावर 4 प्लस टी, तो v इज इक्वल टू 4 टी क्यू प्लस 1। तो जब टाइम को यहां पर 1 सेकेंड पुट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगी, 5। तो जिनका आंसर 5 है पहला, बिल्कुल सही है, ठीक। तो उसी तरीके से क्योंकि v अब मुझे पता है 4t क्यूब प्लस 1, तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस क्या होती है, dv बाई डी टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ v की जगह 4t क्यूब प्लस 1, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट आ गया, d बाई डी टी ऑफ t का क्यूब आ गया, और ऐसे d बाई डी टी ऑफ क्या आ गया, 1 आ गया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 × 3t² + 0, यानी कि 12t². तो टाइम को जब यहां पर 1 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 12 मीटर्स पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है यहां तक? तो समझ में आ रहा है x से a पे कैसे जाना है और a से x के ऊपर कैसे जाना है। तो कैलकुलस इतना ज्यादा आपको शायद बुक्स में गिवन नहीं होगा, कैलकुलस में जो मैंने आपको ये पार्ट करवाया वो उसके अंदर मोशन का पार्ट भी इंक्लूडेड है। आपने देखा कैसे वेलोसिटीज एक्सेलरेशन को मैंने रिलेट किया, तो जब हमारा चैप्टर मोशन स्टार्ट होगा ना तो आपको इजी फील होगा, आपको ये चीज़ें मेरे को उस टाइम समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा काफ़ी हद तक मोशन का कॉन्सेप्ट भी यहीं पर क्लियर हो जाता है। तो जब हम मोशन करेंगे हमारा काफ़ी टाइम बचेगा, क्योंकि हमने अपना टाइम यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कायदे से 2 लेक्चर में ख़त्म भी हो सकती है। 4 फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के बता दो, 4 इंटीग्रेशन के बता दो, केस क्लोज, फिर नया चैप्टर शुरू कर दो। पर लेकिन हमने ज़्यादा लेक्चर इसलिए लगाए 2 क्योंकि वो मोशन वाला पार्ट हमें ज़्यादा क्लियर दिखेगा, और एक्चुअल फिजिक्स वही है, इसमें तो कुछ नहीं आना, पर आना तो मोशन में से ही है, तो मोशन में आप लोग कंफर्टेबल फील हो जाएंगे करेंगे इसमें, ठीक है यहाँ तक? तो असाइनमेंट मिल गई आपको इंटीग्रेशन की।